नमस्कार, एहसास वुमन भुवनेश्वर की तरफ से कलम भुवनेश्वर के इस वर्चुअल सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व इस समय एक बहुत बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है, जीवन उलट पुलट सा गया है और जिसे हम अब न्यू नॉर्मल मान रहे हैं उसने कई बदलावों और समझौतों का बुलावा दिया है। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने इस विपरीत समय की चुनौती को स्वीकार किया है और इस बदलाव के साथ कदम ताल करने की कोशिश की है। फाउंडेशन इस चुनौतियों से जूझने में आप सभी के जज्बे को सलाम करता है और आपने अपने संरक्षण और सदस्यों की इच्छा के मद्देनजर अपने सत्रों में बदलाव करते हुए इन्हें वर्चुअल कर दिया है ताकि आप में से कोई भी साहित्य और साहित्यकारों से बातचीत की अपनी नियमित खुराक से वंचित ना रह जाए। फाउंडेशन भारत और विदेश के लगभग 30 शहरों में महिलाओं के उत्थान और भलाई के लिए समर्पित कार्यक्रमों और अभियानों से जुड़ा है। फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों से विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं। कलम इसी तरह की एक पहल है जो हिंदी भाषा के उत्थान और लेखकों के साथ औपचारिक संवाद करता है। हमारी आज की अतिथि हैं लोगों की अपनी लेखिका चित्रा मुद्गल। उनकी उपलब्धियों की सूची बड़ी लंबी है। आप अपने उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोरोपा के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप वह पहली भारतीय महिला लेखिका हैं जिन्हें दत्ता सामंत के श्रमिक आंदोलन के दौर और जिंदगी पर आधारित उनके उपन्यास आवा के लिए व्यास सम्मान मिला था। इसके अलावा आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतरिक्ष एवं अणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का हिस्सा भी रहे हैं। आप भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा कृतित्व समग्र पुरस्कार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी साहित्य की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित हैं। चित्रा का मतलब मैं देख रही थी, चित्रा चित्र जो चित्र जो चित्र, और मुझे लगता है कि चित्रा मुद्गल जी ने ऐसा चित्र घटा है कि उसमें इतनी बड़ी छाप उन्होंने छोड़ी है साहित्य के ऊपर कि युगों युगों तक उनकी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी और उन्हें यही सम्मान और प्यार मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यह सूची बहुत लंबी है, इसीलिए आगे की बातचीत मैं एहसास वुमन भुवनेश्वर से जुड़ी वेदुला रामलक्ष्मी पर छोड़ती हूँ, जो शब्दों के विपुल भंडार की धनी हमारी आज की अतिथि की बहुमुखी प्रतिभा को आपके सामने उजागर करने की कोशिश करेंगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी वेदुला रामलक्ष्मी जी से कि नमस्कार वेदुला। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद निधि और चित्रा मुद्गल जी, आपका हार्दिक स्वागत है कलम भुवनेश्वर के इस सत्र में। संभ्रांत सामंती जमींदारी परिवार से आप आती हैं, जहां पे सामंतवाद का वर्चस्व रहा और जिसकी वजह से घर की महिलाओं को घर के मुख्य द्वार से आने जाने की इजाजत तक नहीं थी। आपको अक्सर घर का पिछला दरवाजा चुनना पड़ता था, जहां पर दरवाजे पर खड़े बड़े से हाथी के लिए चार लोग बड़ी बड़ी रोटियां बना रहे होते थे, लेकिन वहीं पर मनुष्यों के लिए मूल्यों के अलग 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 स्तर थे, अलग अलग रूप थे। ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में एक विद्रोह को भर देता है।
मुझे याद आती है हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छुपाता, लेकिन आपने मनुष्य की वेदना को समझा है। वाह, बहुत। आपके व्यक्तिगत आपका व्यक्तिगत चयन जहां तक रहा, चाहे वो आपका विवाह हो, आपका लेखन हो, आपकी चित्रकला हो, सभी में विद्रोह के स्वर दिखाई देते हैं। समाज के साथ रहकर समाज में अपने आप को एक अग्निशिखा की तरह प्रस्तुत करने और प्रज्वलित रूप से प्रतिष्ठित करने का आपने प्रयास किया है। मैडम, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे, आपके कथा साहित्य का जो विस्तृत कैनवास है उस पर जितने भी चित्र आपने उकेरे हैं उनमें अधिकांश हाशिए के चित्र हैं। जिस परिवेश से आप आती हैं, क्या यह उसका प्रभाव है और उससे प्राप्त प्रेरणा है? बिल्कुल सही कहा तुमने लक्ष्मी। जिस परिवेश से मैं आती हूँ, बहुत छोटी उम्र में मैंने उसका एहसास किया, और घर की स्त्रियों को मैंने जिस तरह से देखा, इतने बड़े घर में अगर वो घर के अंदर भी काम कर रही हैं, अपनी सास यानी मेरी दादी माँ के सामने भी, तो भी इतना इतना घूंघट निकाल कर काम कर रही है, तो मेरी समझ में कभी नहीं आया। मैंने एक मासूम सा सवाल, मुझे तो याद नहीं था, माँ ने मुझे बताया कि तुमने एक बार अपनी दादी से सवाल किया था, तुम सवाल बहुत करती थी, तो तुमने अपनी दादी से पूछा कि दादी इतना इतना घूंघट क्यों निकालना पड़ता है औरतों को यहाँ घर के अंदर, घर की दीवारों के अंदर? तो उन्होंने कहा घूंघट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं वो बाहर जैसे गई सुबह तड़के वो खेतों में लोटा लेकर के बने हैं उसमें नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो बाहर जाएंगी तो गांव की और औरतें भी उनसे मिलेंगी, और उसी बहाने वो थोड़ी देर वहां पर बैठ करके उनसे गप करेंगी और फिर अपने अपने घर जाएंगी। तो बोले कोई मर्द मिल जाए रास्ते में तो घूंघट निकालना पड़ता है। मैंने कहा घर के अंदर तो कोई मर्द नहीं, आप तो मर्द नहीं है, आपके सामने औरत औरत के सामने पर्दा क्यों करती है? तो बोली वो तो आदर की बात है। तो मैंने कहा आदर की बात इसमें क्या हो गई है? तो माँ ने कहा कि दादी ने मुझे बहुत डांटा, तुमको ये सब कैसे सवाल तू करती हो, तुम शहर में पढ़ रही हो ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे से कोई हिम्मत नहीं करता है सवाल करने की, और तुम सवाल पूछ रही हो, और औरतों को ये परंपरा चली आ रही है सदियों से, हम जब इस घर में थे अब तो हम इतना इतना पर्दा करते हैं, लेकिन अपने जमाने में अपनी सास के सामने इतना इतना घूंघट निकालते थे, और सास ने कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, उनको उनके मायके के स्थान के नाम से पुकारा गया कि फलाने की दुल्हन या अमेठी की दुल्हन है, अमेठी वाली कहाँ हो, है ना? तो ये सब चीजें अजीब मुझे लगती रही, और चूंकि मैं शहर की गर्मी की शहर से स्कूल बंद होने पर गर्मी की छुट्टियों में गांव आती थी, फिर गांव में रहने का मौका इस तरह मिला लक्ष्मी कि हम तकरीबन 4 साल गांव में लगातार रहे। पिताजी का ट्रांसफर हो गया, वो नेवल अधिकारी थे बड़े, वो बाहर चले गए, तो फैमिली को जो मकान होता है मिलता है अफसर को, वो 2-3 महीने के लिए तो ठीक है, उसके बाद मार्केट रेंट लगने लगता है, तो फैमिली को गांव में उन्होंने रख दिया, तो मेरा एडमिशन गांव, मेरे गांव के पास के गांव भरतीपुर की कन्या पाठशाला में हुआ। तो वहां जो बच्चियां आती थी वो सब साड़ी पहनकर आती थी सीधे पल्ले की, और मैं जाती थी फ्रॉक पहनकर, तो उनके लिए मैं अजूबा थी और मेरे लिए वो अजूबा थी, और फिर उसके बाद बेंच नहीं थी,
उस जमीन पर पट्टी पड़ी हुई है उस पर बैठना है, तो ये सारी चीजें। और फिर हम गांव की जो लड़कियां हैं उनके साथ स्कूल क्यों नहीं जा सकते खेतों के बीच में से निकलते हुए, लेकिन नहीं, हमारे घर से कोई हमको छोड़ने जाएगा, मुझको और मेरी छोटी बहन को, कि वो तो फलाने सिंह की पोतियां हैं, इनको कैसे ऐसे छोड़ा जा सकता है। ये सब चीजें थी, गुस्सा आता था और प्रश्न करती थी तो डांट पड़ती थी। तो इसी ने धीरे धीरे उस अंतर को स्पष्ट किया कि आप कहते हैं गांव तो स्वर्ग है ना, गांव तो स्वर्ग है, वहां सहकारिता भाव है, सहकारिता भाव में बिना किसी को आदर दिए कोई चाहे उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो उसको आदर दिए उसका संबोधन नहीं करते, संबोधित नहीं करते उसको। यानी एक एक मसला मैंने पिछली बार भी सुनाया था, वो था डोमिन काकी, ये बारहवीं ग्यारहवीं क्लास में केरल में पाठ्यक्रम में भी लगी थी ये कहानी। तो उसमें मैंने कहा डोमिन आई तो दादी ने चांटा लगाया कि ये डोमिन न कहो, डोमिन काकी कहो। मुझे लगा कि हाँ मैंने गलती की और कोई बात नहीं, लेकिन फिर हफ्ते भर बाद उन्होंने कहा ये रोटियां इतनी बड़ी बड़ी रोटियां और उसके ऊपर अचार और टोकरी भर अनाज उसके ऊपर रख के जाओ डोमिन को दे आओ जा करके। तो मैं देने के लिए गई तो रोटियां रख दी, वो अपने आंचल में उन्होंने उसको लपेटा और जब अनाज डालने लगी तो वो छिड़क गया, तो मैं वहां बैठ करके उनके आंचल में उसको समेटने लगी। तो मेरी दादी फौरन उठकर आई और मुझे झटके से उठाते उन्होंने चांटा लगाया, क्या किया, छू लिया। और उसी समय उन्होंने मेरी बड़ी काकी यानी बड़ी अम्मा बोलते थे हम लोग है ना, मेरी बड़ी ताई जी, तो बड़ी अम्मा को आवाज दी कि नहान घर में मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने चांटा मारा था तो उन्होंने मुझे छुआ तो मैंने डोमिन काकी को छुआ, तो वो उनके वो छूत उन तक भी आ गई, उनके कपड़े रखवा दिए गए और गंगा जल डालकर पानी बाल्टी दो तीन बाल्टी और मुझे बड़ी काकी बड़ी अम्मा से कहा इसको नहलाओ जा करके, खुद भी नहाओ इसको भी नहलाओ। ये तमाशा देखकर तो मैं दंग रह गई, ये मैं अपनी काकी को छूती हूँ तो चाटा मनी मारती हैं आप, यानी मेरी बड़ी माँ को के सामने, और मैं डोमिन काकी का छिड़का हुआ अनाज समेटने लगी, मैं बच्ची थी तो आपने मुझे चांटा मारा। और चांटा पहले इसलिए मारा कि मैंने उनको काकी नहीं कहा, और अब जब मैं उनको काकी कह रही हूं तो आपने मुझे उनको छू लेने पर, उनके आंचल को छू लेने पर चांटा मारा। तो ये काकी का मतलब क्या हो गया, संबोधन का मतलब क्या हो गया, तो तुम समझ सकती हो कि किस तरह के दोहरेपन और फ्यूडलिस्टिक एटीट्यूड उस जमाने में भी। बहुत गांधी जी हमेशा कहते रहे गांव का सहकारिता भाव, और लोग कहते हैं गांव तो स्वर्ग है, वहां तो प्रेम से बिना संबोधन के कोई किसी को पुकारता नहीं है, लेकिन पुकारता है मगर वो जो विषमता है वो तो कायम है। इसी पर मैंने कक्षा 7B में डोमिन काकी कहानी लिखी थी। मैंने संबोधन है, लेकिन संबोधन सिर्फ शब्द है, भाव नहीं है उसमें, भाव नहीं है उसके। बिल्कुल चित्रा जी, हम आपके साहित्य पर आते हैं और मैं बात करना चाहूंगी आवा। आवा एक उपन्यास है जिसके लिए व्यास सम्मान मिला और आप पहली महिला हैं जिनको व्यास सम्मान मिला। आवा यानी कुम्हार की भट्टी, जहां पर जिंदगी तपती है, उमस होती है, तपने का दर्द होता है, धुआं बनकर उड़ता हुआ समूचा अस्तित्व होता है। आवा के जो पात्र हैं उनका दर्द आपने महसूस किया है, क्यों? क्योंकि आप कॉलेज कहकर घर से निकली तो थी लेकिन मजदूर संगठनों के साथ काम करती थी, ट्रेड यूनियन के दफ्तर में बैठती थी, उनके दर्द को समझती थी, ये आपके लिए बहुत आवश्यक था।
इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हम निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे कि एक संभ्रांति परिवार से निकलकर एक युवती, मैं कहूंगी तब तो आप युवती, किस तरह से ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ती हैं और आवा के भट्टी के दर्द को और उसकी तपिश को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर देती है। देखो, आवा जो शीर्षक है लक्ष्मी, वो एक बिंब है। बिंब है आजादी के बाद, 1947 के बाद जो आवा हम अब खुदी अपनी सत्ता के सत्ता अपनी सत्ता के निर्णायक थे कि कौन लोग हमें सत्ता में चाहिए, और स्वायत्तता हासिल की थी गुलामी से मुक्त होकर। लेकिन आजादी के बाद जो हमने स्वायत्तता और संविधान, समाज के विकास, कानून, शिक्षा, तमाम चीजों पर किसानों के उत्थान को लेकर के, तो ये आवा हमने कैसा सुलगाया कि पूरा आवा का आवा खराब हो गया। आजादी के 70 साल से ऊपर हो रहे हैं और आज भी हमारा देश उसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी नौकरशाही जो है, वो जो राजनीतिज्ञों को भी चलाने वाली है, क्योंकि वो तो हमेशा नौकरी करते हैं ब्यूरोक्रेट, एंड दे नो कि क्या है वास्तव में ना। ये तो आए हैं, ठीक है 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, पहले तो 5 साल पक्की सरकार होती थी, अब तो जिस सरकार के 5 साल होते हैं पूरे उसके, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये आवा प्रतीक शब्द हमने लिया और उसका शीर्षक के रूप में, मेरी माँ एक कहावत कहती थी, माखी कोख कुम्हार का आवा, माखी जो कोख है वो कुम्हार के आमे की तरह है, जो वो खिलौने बनाता है मिट्टी के चाक के ऊपर, जो वो बर्तन बनाता है, वो जो दिए बनाता है, वो जो सुराहियां बनाता है, सुंदर नक्काशी की हुई, मोर की चोंच से पानी निकलता है सुराही से, तो ये जो इतनी कलात्मकता के साथ उन बर्तनों को, वो मिट्टी के जो खिलौने हैं, बर्तन है, उन सबको वो कैसे पकाता है, ये चाय का कप जो मैं पी रही हूँ मिट्टी का है ना, इसपे डिजाइन बनी हुई है, तो आदिवासी लोग, तो आप ये देखिए कि उसको पकाने के लिए ईंट के भट्टे में जिस तरह खांचे में ईंट और का वो डाला मिश्रण और उसको उलट दिया, टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो वो छेनी मार के उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन आवा को बहुत सावधानी से पकाया जाता है, लकड़ी का बुरादा बिछाया जाता है, सूखे पत्ते जो होते हैं उनका चूरा डाला जाता है, पतली पतली टहनियां वो रखी जाती हैं, उनके ऊपर उनको ऐसे रखते हैं संभाल करके, जैसे कि पेट में कोई धक्का न लगे माँ के पेट में, क्योंकि भ्रूण विकसित हो रहा है, कोई तकलीफ उसको, तो ये। और एक और कहावत है, वो भी है अवध के इलाके में ही है और हिंदी पट्टी में ही, कि फलाने सिंह का तो आवा का आवा खराब हो गया, यानी किसी बहुत बड़े संपन्न घर के सारे बच्चे संताने जुआड़ी और शराबी निकल गई, तो उसकी उसकी जो संपन्नता थी, समृद्धि थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। तो इसलिए आवा शीर्षक जो है वो पूरी वस्तु स्थितियों को खोलता है लक्ष्मी, कि ये आवा हमने खुद पकाया, हमने खुद चीजें बनाई, और अगर हमने इसको सावधानी से नहीं पकाया, यदि कुम्हार ने, तो सारे खिलौने, बर्तन, मटके काले काले होके टूटे फूटे निकलते हैं। आग इस तरह सुलगाई जाती है बड़ी मध्यम 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 आंच में ये चीजें पकें। तो आवा समाज का आवा है, आजादी के बाद का आवा है, और इसमें जो चरित्र हैं वो हैदराबाद के भी हैं, आधी कहानी हैदराबाद
से हैदराबाद चली जाती और आधी कहानी मुंबई जैसे औद्योगिक नगर जहाँ यूपी से बिहार से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से स्वयं महाराष्ट्र से जिनको हम घाटी कहते हैं इसी तरह हैदराबाद से कमाठी वो जिस तरह की हिंदी दक्षिणी हिंदी बोलते हैं ये सब लोग वहाँ रोजगार के लिए पहुंचते हैं और वो कॉस्मोपॉलिटन औद्योगिक नगरी जहाँ बॉलीवुड है जहाँ जिसका ऐश्वर्य 40 माले की बिल्डिंग तक उठ गया है। पहली बिल्डिंग थी 25 माले की जब बनी उषा किरण तो लोग उसको देखने जाते थे और अब तो जो है कोई सीमा नहीं रही गगनचुंबी इमारतें और वही आप देखेंगे कि ऐसी झोपड़पट्टियां हैं जो दलदल में खड़ी हैं, दलदल में खड़ी हैं और ये मजदूर कौन है? ये मजदूर वही हमारे गांव के मजदूर हैं जो किसानों के साथ काम करते हैं या जिनकी थोड़ी बाड़ी जमीन है उससे घर का खर्च नहीं चलता है तो वो शहरों में आ करके वो पहले तो मुंबई जाते हैं कलकत्ता जाते हैं फिर हैदराबाद जाते हैं वहां भी आपको यूपी बिहार वाले मिल जाएंगे फिर वो चेन्नई जाते हैं वो उस हर बड़े शहर में जाते हैं और उसको कॉस्मोपॉलिटन बनाते हैं और वहां वो कॉस्मोपॉलिटन पढ़े लिखे लोगों की नहीं होती है ऐसे अनपढ़ और रोजगार विहीन गरीब गुरुओं की भी होती है जिनको एक जून का खाना वो खुद खाते हैं उस कॉस्मोपॉलिटन झोपड़पट्टी में रहते हुए और वो उनमें से जब कोई उनका साथी गांव जा रहा होता है छुट्टी लेके उसके हाथ से वो पैसा भेजते हैं अपने घर के लिए कपड़े भेजते हैं बनियान भेजते हैं मनिया मतलब ये तो ये सब मजदूर जब मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ी अपने कॉलेज डेज में तो मैंने ये पाया कि ये मजदूर कौन है ये खाली महाराष्ट्र के नहीं है ये तो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं जैसे कि तुमने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के मजदूर ट्रेनों के ऊपर बैठ के पंजाब जाते हैं क्योंकि वहां पारिश्रमिक ज्यादा मिलता है तो ये जो आवा है देश का इसको कैसे पकाया हमने तो वहां मुझे प्रेमचंद के गोबर होरी धनिया वहां मुलाकात मिली होती मेरे गांव की डोमिन काकी का बेटा मुझे वहां दिखाई देता हालांकि वो डोमिन काकी का बेटा नहीं है लेकिन है वो उन्हीं दलित लोगों का बेटा जो वहां मजदूरी करने के लिए आया है तो ये इतना दुखद कि हम तो गुलामी से मुक्ति चाहते थे अंग्रेजों की गुलामी से और जो सदियों से मुस्लिम वो भी रहा है हमारे ऊपर पुर्तगीज का भी रहा है तो हम तो उनसे मुक्ति चाहते थे पता चला गुलामी से मुक्ति चाहते थे उनकी जोर जबरदस्तियों से मुक्ति चाहते थे क्योंकि वो तो हमारे देश का लाभ लूट करके अंग्रेज अपने साथ ले जाते थे और ठीक है मुस्लिम यहाँ उन्होंने गंगा जमी तहजीब कायम की वो यहीं के यहीं बस गए लूट करके नादिर शाह चला गया लूट करके चंगेज खान चला गया लेकिन बहुत से लोग तो कहने का जो तात्पर्य है कि हमारे हम अपने ही लोगों के गुलाम और हमारी स्थिति उससे भी बदतर हो गई न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका हमारी अपना संविधान जिसे अंबेडकर ने तैयार किया कमेटी के साथ में बहुत कुछ तो वो अंग्रेजों का ही संविधान लिया हुआ लेकिन बहुत कुछ चीजें उसमें जोड़ी गई उनकी देखरेख में तो ये क्या हुआ ये मजदूरों के बीच जाकर पता चला कि मेरे गांव के दलित टोले के लोग जिन पर हमारे घर के लोग जाति करते हैं या वो जन मजूर जिनको उन्होंने बसा रखा है बंधुआ मजदूर के रूप में घर दे करके जमीन देकर फुलवारी है उसमें उनका घर बनवा दिया है तो वो हमारे घर काम करती हैं बारिन काकी हम कहते थे तो ये सब इनके बच्चे वो तो काम कर रही पर उनका बच्चा बारिन काकी का कलकत्ते चला गया काम करने वो रिक्शा चलाने लगा वो आदमी को
आदमी ढो रहा है कलकत्ते में, घोड़ा नहीं ढो रहा है। आप आज भी वो स्थिति है। क्यों हमारी सत्ता इतनी आई वहां का, हर तरह की सत्ता रही, हर राजनीति रही, है ना, हमारी कांग्रेस से लेकर के बहुत, क्यों मार्क्सवादी भी रहे, मार्क्सवादी तो मजदूरों के लिए काम करने वालों में से थे, क्यों उन्होंने किराए पर वो रिक्शे लेते थे और खुद खींचते थे और उसपे आदमी तीन तीन बैठते थे, क्यों उनको उन्होंने रिक्शे नहीं बांटे कि तुम ना चलाओ, साइकिल वाले रिक्शे हम मंगवाते हैं तुम्हारे लिए, जब युद्ध होता है तो तोपे तो तुम मंगवाते हो बाहर से, है ना, लेकिन तुम मजदूरों के लिए, क्योंकि वो बिहारी है, वो ये है, वो है, ये है, इस तरह की राजनीति, मतलब मैं दंग हूं। तो वहां जो मजदूरों से मैं मिली, तो प्रेमचंद ने जो 36 में गोदान लिखा, उसके पात्र मुझे अन्याय से, गांव में उनके साथ होने वाले अन्याय के डर से भाग करके वहां मजदूरी कर रहे हैं, हमारे देश के अन्य बड़े शहरों में, और 70 साल भी स्थिति वैसी की वैसी है। क्यों है, क्यों है ऐसी स्थिति? तो ये गुलामी जो हम अपने लोगों की, अपनों द्वारा ही सह रहे हैं, विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि राजनीति में हम कितने आजादी की लड़ाई में गरीबों में ने भी नारे लगाए, नेता आगे चले लेकिन आम आदमी भी उसके पीछे चला, बदलाव उसको भी चाहिए था, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जो कुछ अगर उसने थोड़ी भी गलती की है उठा के उसको जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे और कोड़ों से उसकी पीठ की खाल उधेड़ देंगे। ये क्या है? और उसके तो आवा अपने आजादी के बाद का आवा है, या आवा जो हमने सुलगाया वो इतना टूटा फूटा क्यों निकला? और जैसा कि तुमने पहले कहा कि उसकी वो धुआं हुआ, मतलब क्या है? ये इतना दुखद था। और ये इस अनुभव से जो मैं अपने घर में से कुछ उदाहरणों के साथ वापस शहर आती थी, फिर छुट्टियों में गांव जाती थी, फिर वही सब विषमता देखती थी, और मुझे जब मैंने पढ़ना शुरू किया प्रेमचंद को, जब मैंने पोटेकार्ड को पढ़ना शुरू किया, सहस्रफणम उपन्यास जिसको ज्ञानपीठ मिला तेलुगु का, मैंने ये सब पढ़ा, मैंने मार्टी मटाल पढ़ा, फकीर मोहन सेनापति को पढ़ा, मैंने रमाकांत रथ की कविताएं पढ़ी, मैंने सीताकांत महापात्र की कविताएं पढ़ी, वो जो दुख है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, तुम जैसी, गायत्री पांडा की कविताएं मैंने पढ़ी, मैं दंग रह गई कविताएं पढ़ करके। ये दुख लेखक कवि, जैसे कि तुमने हरिवंश राय बच्चन का उदाहरण दिया, ये व्यक्त करते हैं, लेकिन कान कौन देता है बेटा, कान कौन देता है? ये है आमा, ये आमा। और उसको 5 स्टेट के पुरस्कार मिले, उसको ब्यास सम्मान मिला, उसको इंदु अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला 2000 में, और 2003 में के बिरला ब्यास सम्मान मिला, फिर मध्य प्रदेश का शीर्ष सम्मान वीर सिंह जीवदेव सम्मान मिला, फिर दिल्ली की हिंदी अकेडमी का कृति सम्मान मिला, इतना बड़ा, तो इतना मतलब वो लगा कि, और ऐसे पत्र आए कि किसी महिला ने 550 उपन्यास अब तक नहीं लिखा, ये और इससे और तकलीफ हुई कि महिलाओं को आप मौका ही नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो जनानी है, ये क्या लिखेंगे? तो ये है दत्ता सामंत के साथ जुड़ने की कहानी और काम करने की कहानी, और वो कहानी है हमारे देश के, हमारे समाज के। चित्रा जी, एक ऐसा तबका भी है हमारे समाज का
जिसको इस हद तक हमने जिसका तिरस्कार किया है, जिसको अस्वीकार किया है, कि विडंबना देखिए कि हमारी भाषा में उनके लिए अभी भी वो पुराण काल के महाभारत के शब्द किन्नर या नहीं तो फिर बृहन्नला जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आज के शब्द अगर हम ले लें तो बड़ा ही अपमानजनक शब्द हिजड़ा शब्द तो हम बोलना गाली, गाली है, जिसके लिए हम बड़े कन्वीनियंटली ट्रांसजेंडर का इस्तेमाल करने लगे। मतलब भाषा में भी उनको स्वीकारा नहीं है क्योंकि विचारों में वो मानसिकता हमारी ऐसी हो गई है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये ट्रांसजेंडर पर लिखी हुई वात्सल्य भाव से लिखा हुआ उपन्यास है जिसमें एक वात्सल्य है, जिसमें मन की भावनाएं हैं जो रोती हैं, जिसमें आक्रोश भी है, विद्रोह भी है, और बड़ा ही सुंदर उपन्यास है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब हृदय का कौन सा तार था चित्रा जी जो छिड़ गया और आपने शब्दों के रूप में उसे अभिव्यक्त कर दिया और एक सुंदर सा उपन्यास बन गया। लक्ष्मी, अगर मैं सच बताऊं, ये सच मैं बार बार दोहराती हूँ और मैं चाहती हूँ, शायद मैंने पहली बार चाहा कि मैं अपनी किताब की कोई भी एक होता है ना जिसको प्रचार प्रसार, लेकिन इस किताब को लेकर के मैंने बार बार चाहा है और मेरी इच्छा है कि ये पाठ्यक्रमों में लगे, ये युवा पीढ़ी पढ़े। पुरानी पीढ़ी सदियों 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 से तो चला आ रहा है, जो उसी का अनुसरण कर रहे हैं। ये नाला सोपारा उपन्यास चार चीजों पर आधारित है, धर्म, राजनीति, समाज और मनुष्य। मनुष्य ने स्वयं अपनी औलाद अपने घर से बेदखल कर दिया। कहानी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने इस पर लिखने की कैसे सोची ये मैं जरूर बताना चाहूं। मैं खुद भी इनसे बहुत घृणा करती और इतनी घृणा करती थी कि जब लोकल मुंबई के लोकल ट्रेन में ये चढ़ाते थे लक्ष्मी, तो मुझे लगता था ये बस ताली बजा के अब आएंगे, हाथ पसारेंगे, हमारे कंधे छुएंगे या हम इनको कुछ दें। हम तो खुद ही फ्रीलांसर हैं, हम तो सोशल वर्कर हैं, तो हम इनको कितना दे सकते हैं। और सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता होकर भी हम हाशिए के लिए काम करते थे, झोपड़पट्टियों में संडास होने चाहिए इनको ताकि वो हाईवे पर सुबह नंगे ना बैठे, और एयरपोर्ट से निकलते हुए लोग शिकायत करते थे कि ये जो है यहाँ बैठे रहते हैं। तो मड़ालताई गोरे के संपर्क में मैं आई, जिनको पानी वाली बाई कहा जाता है, वो भी मेरी गुरु जैसी ही रही हैं। तो उनके साथ जब मैं जुड़ी तब उन्होंने कहा कि हम हर चीज सरकार पर नहीं छोड़ सकते, हम ये क्या करेंगे, औरतें भी जाती हैं, आदमी भी। वो डालडे का डब्बा पहले आता था, तुम तो छोटी रही होगी, उस पर तार से वो बांध देते थे टांगने वाला, और उसको पानी लेकर के या बोतल लेकर के, और आज भी वो स्थिति। तो उन्होंने कहा कि हम संडास बनवाएंगे, मुंबई म्युनिसिपैलिटी पर निर्भर नहीं करेंगे, हमने इतनी लिखा पढ़ी कर ली लेकिन उसका कोई असर नहीं आया। तुम सब लोग डब्बे लेकर के, डब्बों में चाकू से छेद करके सड़कों पर खड़े रहो, और अपने घर की बगल की हर बस्ती में जा करके, हर बस्ती का दरवाजा खटखटा के कि इन लोगों के लिए संडास बनवाने हैं, और उसके लिए आप अठन्नी चवन्नी तब चला करती थी और आप रुपया, और तो जो चाहे वो अपनी खुशी से डाल दे। हम सड़कों पे भी खड़े रहते थे, चार पांच स्टूडेंट और चार पांच महिलाएं मिलकर के, और बटाटा बड़ा और पाव मिलता है वहां ना मुंबई में, तो वो खरीद के भूख लगती थी खाल, मैं इतने बड़े घर की लड़की तो ये सब छुपा करके करती थी। और जब डिब्बा भर जाता था गाड़ियों को रोकते थे, हाथ दिखाते थे, तो कहते थे क्या भीख मांगने के लिए खड़ी हुई हो, तुम तो लग रहा है कहीं कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाली दिख रही हो, और तुम यहाँ भीख मांग रही हो सड़क के ऊपर। तो हमने कहा भीख
उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जिन लोगों ने आपकी सड़कें बनाई हैं, जिस चमकीली आगरा रोड पर आपकी बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां निकलती हैं, सर्रात सर्रात भी हुई, वो सड़क किसने बनाई है मालूम है आपको? उनके बच्चों को रोटी मिल सके, उनके बच्चे संडास जा सके, पाखाने के लिए जब वो सड़कों पे बैठते हैं कहीं जगह नहीं है तो आप लोग गाली देते हो कि अरे किस सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, क्या देख लिया? तो ये जिम्मेदारी आपकी ही है और आपकी वजह से ही वो इन स्थितियों में यहाँ रह रहे हैं। यानी आपने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आप जैसे कितने ऐसे गांव घर में लोग हैं जिन्होंने उनको अपने घरों में रहने नहीं दिया, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दिया, उनके अगर उन्होंने उनका कहना नहीं माना, है ना? तो ये आप ये इस तरह से तो वो उनके लिए इस तरह पैसा इकट्ठा करके और तब 16,000 में आगे पीछे दो सेप्टिक टैंक बना करके संडास बन जाता था, औरतों के लिए अलग, बच्चों के लिए कुछ इस तरह से कि वो बैठेंगे और बैठ के माँ उनको पानी से सौंचा के घर ले आएगी, इस तरह से काम किया और झूठ बोल बोल के काम किया। घर में झूठ बोलती थी, मेरी ट्यूटोरियल की क्लासेस हैं इसलिए मुझे रुकना पड़ता है कॉलेज में, मेरी बहन तो साइंस में थी तो उसको तो 6 बजे से पहले फुर्सत नहीं मिलती थी, तब वो घर लौटती थी, मैं आर्ट्स में थी तो मैं झूठ बोल करके इस तरह से पार्टी ऑफिस में जा करके बैठती थी और मजदूरों के बीच में जा करके एक होता है। और तो ये अनुभव हुआ जब अपने घर के गेट से हम पढ़ने के लिए निकले, लेकिन हमने हिम्मत की कि ये जो झोपड़ पट्टियां दिख रही हैं पहाड़ी की तलहटी में बसी हुई, कौन लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए। और इसलिए मैं दत्ता अंकल से, दत्ता सामंत से जुड़ी और मैं मड़ाल ताई कोरे से जुड़ी और मुझे मेरे सामने आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया खुलने लगी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लक्ष्मी, कल्पना नहीं की थी मैंने ना, ये है आमा। और वो जो सवाल तुमने किया कि ट्रांसजेंडर वो मैंने छोड़ा था कि लोकल में ये लोग मांगने आ जाते थे तो हम घृणा करते थे सामाजिक कार्यकर्ता होकर भी, और घृणा ही किया, हमने इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिल्मों में ये नाचते गाते हैदराबाद की फिल्म में महमूद के साथ दिखाई देते हैं, और जब दिल्ली में आ गई थी 2010 के अंतिम महीने में, जब आए वो चेक करने आते हैं जनसंख्या और उसकी वेरिफिकेशन के लिए आते हैं वोट बैंक के, तो वेरिफिकेशन के समय उन्होंने कहा आप किसी ट्रांसजेंडर को जानती हैं? मैंने कहा नहीं, इस इलाके में? मैंने कहा नहीं। क्यों? बोले नहीं, अब हमने मेल फीमेल के साथ साथ अदर्स भी जीरो अदर्स भी जोड़ा। मैंने कहा जीरो अदर्स, क्या वो कीड़े मकोड़े हैं क्या? है तो इंसान ही, ठीक है, बाकी हर विकलांगता दिव्यांगता आपको स्वीकार है, लेकिन ये धर्म ने आपको ये समझा दिया है और आप अंधे हो गए धर्म का अनुसरण करते हुए कि अगर जिसके यौन विकलांगता है वो अपना खानदान की विरासत नहीं चला सकता है, ब्याह नहीं कर सकता है, उसको आपने धर्म ने वंचित कर दिया सारे अधिकारों से, कि ये तो अपशकुनी है, जैसे धर्म ने विधवाओं के साथ किया, जैसे धर्म ने सती प्रथा के साथ किया। लेकिन वो सब तो सुधर गया, उससे हम अब निकल आए हैं और आगे कहीं अपवाद घटते हैं तो भी निकल आएंगे, लेकिन इनके साथ तो हम कहीं नहीं निकले। सदियों 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 से इन शंभूक की हत्या से लेकर के कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे, है ना? और कभी हमने देखा नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। मैं एक पात्र से 79 के आसपास मिली थी
जब मैं दिल्ली से अपने बच्चों के साथ मुंबई वापस जा रही थी, क्योंकि मुदगल जी सारिका टाइम्स ऑफ इंडिया जो कथा पत्रिका थी वो यहाँ दिल्ली 10 दरियागंज शिफ्ट कर दी गई थी और उनको आना पड़ा था, तो उन्होंने एक किराए का मकान लिया था और दिल्ली वहां मुंबई में तो पत्रकार नगर में अपना घर था ही, तो मैं सोशल वर्क भी करती थी और बच्चे भी छोटे छोटे, तो ये लगता था कि इनकी एजुकेशन कम से कम ये बोर्ड एग्जाम तो दे ले तब मैं शिफ्ट करूं। मैंने 83 में शिफ्ट किया, तो उसके पहले 78 में जब गर्मी की छुट्टियों में आई तो कैसे मेरे कंपार्टमेंट में जो 3-2 टीयर का था, चार बर्थ वाला, एक लड़का भागते भागते चढ़ा और मैं अपनी बेटी रोती हुई बेटी को थपकाती हुई, क्योंकि उसके पिता को छोड़ नहीं रही थी, वो भी रो रहे थे और बेटी चीख चीख के रो रही थी, तो वो बच्चा वो लड़का आया और वो बैठ गया हाँफते हुए। तो मैंने सोचा हमारी 3 बर्थ है, चौथी इसी की होगी शायद ना, वो बैठ गया वहां। तो हमने जब ट्रेन चलने लगी और TGI आया तो उसने बोला कि मैं जनरल कंपार्टमेंट का मेरा टिकट है, लेकिन गाड़ी छूट गई थी, मैडम गवाह है, मैं भागते भागते किसी तरह से चढ़ा कि ट्रेन ना छूट जाए और मुझे भी मुंबई जाना है, लेकिन भरतपुर में ये गाड़ी रात को 11 बजे रुकेगी, तब मैं उतर करके अपनी कंपार्टमेंट में जनरल कंपार्टमेंट में चला जाऊंगा। लेकिन वो बैठा, मेरी बिटिया उससे खेलने लगी, तो मैंने TTI से कहा मेरी छोटी बेटी की बर्थ तो है ही, तो हम इनको दे देंगे और आप इनको यही रहने दीजिए। मैंने भी सोचा मेरी बच्ची उनसे हिल गई है, तो वो रात मेरी जिंदगी की ऐसी रात है कि आज भी अपराध बोध से मैं भरी हुई हूँ, धिक्कार है मेरी जिंदगी को और सामाजिक कार्यकर्ता होने को कि हमने कभी इनको उस नजर से नहीं देखा। उसने बताया वो यौन विकलांग है और उसने ये भी बताया कि आठवीं कक्षा तक उसका सत्य भी है उपन्यास में कि वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, उसकी माँ ने छिपा करके रखा और उसके बाद उनको पता चल गया किसी तरह से, तो वो सब लेने आ गए उसको और शोर मचने से बेहतर है कि वो बच्चे को खुद उसकी माँ है ना, वो कहता है बा, मतलब बा का मतलब माँ है, कि तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो वो बच्चा बेघर हो गया और वो उनके दल जो किन्नर है उनके दल के साथ फिर आगे क्या हुआ, कैसे वो दिल्ली पहुंचा और किस तरह की अपमान भरी जिंदगी जीते जीते, और यहाँ घर वालों ने क्या किया उसको देने के बाद किसी को खबर ना हो अड़ोस पड़ोस में, तो वो नाला सुपारा सबर्ब है, वो उस वहां शिफ्ट कर लिया उन्होंने अपना सब दुकान वगैरह बेच करके, और अपने रिश्तेदारों को कह दिया कि वो पिकनिक पर गया था तो गाड़ी उलट गई, वो खाई में गिर गया, उसकी तो हड्डियां तक नहीं मिली, और इधर स्कूल में दूसरा झूठ बोला कि वो स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग पिकनिक पर गए थे तो हमारे साथ जो है ऐसा घट गया, और इसलिए तो इस तरह से उस बच्चे को, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो चाहे किसी भी तरह की दैहिक विकलांगता हो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही है, लेकिन माँ अपने घर वालों के डर से कोई संपर्क नहीं रखती है, कोई संपर्क संभव ही नहीं है। बहुत दिनों बाद जब वो बड़ा हो गया और वो समझने लगा तो उसने क्या किया, माँ ने बचपन में उसको रटाया था तुम्हारे घर का फोन नंबर ये है, कभी गलती से तुम गलत स्कूल की बस में चढ़ जाओ, परेशानी में हो तो, या कहीं गलत उतर जाओ, तो बच्चों को जैसे माँ बाप सिखाते, तो वो फोन नंबर उसे याद था और वो काबू नहीं रख पाया और उसने फोन किया तो वहां तो किसी और ने फोन उठाया और उसने बताया, बाकी कहानी में सब मौजूद है।
तो नरोत्तम जिसको मैंने ये समर्पित की है किताब, कि ये किताब तुम्हारी बाँ के लिए, तो ये किताब आते ही एक तहलका सा मच गया और सभी लोगों ने कहा इस पर, इस विषय पर इस तरह संपूर्ण रूप से, कभी हिजरे किसी पात्र के रूप पे किसी ने जिक्र कर दिया या ये सब, तो बोले बंगला में भी पौरुष नाम का एक उपन्यास है, मराठी में कोई नहीं है, फीचर है कुछ, तो इस तरह से मैंने पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपवारा, माँ और बेटे के बीच ये पोस्ट बॉक्स नंबर कहाँ से आ गया? Sorry to interrupt such a good session. Vedula ji, we have quite a few questions. अच्छा ठीक है. वो raise hands है. आप वो raise hands जो है वो पहले ले लीजिए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. And then questions are there in the Q&A box. बिल्कुल बिल्कुल. चित्रा जी. अब मैं इस अनुभूति को शब्द कैसे दूं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आमा में हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरोत्तम के साथ हूं. अपराध बोध हम सबके भीतर अपने आसपास की विसंगतियों को देखकर निश्चित रूप से गहराता जाता है. मैं चाहती हूँ इसको लक्ष्मी कि नई पीढ़ी इसको जरूर पढ़े, और चाहे उसके एक बच्चा तय करे कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, और कहीं वो यौन विकलांग विकलांग बच्चा पैदा हो जाए तो उसको अपने दादा दादी पड़दादा लोगों की जो विरासत उससे मुक्त होकर अपने घर में रखना, उससे घर नहीं छीनना, उसको सड़कों पे नाचने और भीख मांगने के लिए मत छोड़ना. हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं. सबसे पहले मैं पिंकी सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रश्न पूछे. पिंकी सिंह को हम अनम्यूट कर सकते क्या? पिंकी, हाँ जी पिंकी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती. जी मैम, थैंक यू. नमस्ते मैम. नमस्ते. आप कहाँ से हैं पहले बताइए. भुवनेश्वर से हूँ, बीएसएस नगर से. अच्छा 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 जी, बोलिए जी. बोलिए जी, आपकी बातें बहुत उत्तेजित करने वाली है. मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद हम भी इस लाइन में चले जाएं. आपके बातें सच में बहुत अच्छी है. मैम, मेरा जो प्रश्न था, मैं जब बीए में पढ़ रही थी तब से मैंने लेखन का कार्य जो ही शुरू किया. मैं अभी भी कहानी लिख रही हूँ. अभी मेरा एमए है जी. मुझे जो है सृजनात्मक कहानी लिखने का बड़ा शौक है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे लेखन कार्य में सुधार लाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? पहली चीज जो है कि, और जो मुख्य चीज है, अगर आप लेखन कार्य करना चाहती हैं, तो अपने वरिष्ठ लेखकों को पढ़िए, अपनी भाषा के लेखकों को पढ़िए, अपनी भाषा के बाद भारतीय भाषाओं के बड़े लेखकों को पढ़िए, और उसके बाद अपने समाज के गली गलियारों के अंधेरों को पढ़िए बेटा, अंधेरों को पढ़िए. वो अंधेरे क्यों है? जब तक आप उन अंधेरों को पढ़ेंगी नहीं, अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बनाएंगी, तब तक आप वह नहीं लिख सकती हैं जो आप लिखना चाहेंगी. वो जो समाज के सरोकारों से भरा हुआ लेखन हो, जिसको पढ़ के लोगों के मर्म पर चोट लगे और वो निश्चय करें कि उनसे गलती हुई है, अपराध हुआ है, वो अन्याय करते हैं किसी के ऊपर, इस बात का वो एहसास करें, तो तुम खूब लिखो. और इन तीन चीजों का जरूर ध्यान रखो. और एक चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ती हूँ, और ये कि उस वो जो पात्र हैं, उन पात्रों के परिवेश के जो दबाव है, उससे वो दबाव सत्ता के हैं,
या सत्ता से जुड़े लोगों के हैं या वो दबाव इर्द गिर्द के लोगों के हैं, उनकी घृणा उनके प्रति है, इन सब के लिए तुमको एक मनोवैज्ञानिक बनना पड़ेगा लेखक होने के साथ साथ। जैसे कि हमारी दादी नानी थी ना, तुमने अगर जरा सी तकलीफ बताई तो वो भांप लेती थी कि क्या उपाय करना चाहिए, तुमको क्या दवा देनी चाहिए, हींग तुम्हारे पेट पे लगाना चाहिए भूंजकर ताकि पेट का दर्द गैस निकल जाए और पेट का दर्द खत्म हो। तो ये मनोविज्ञान भी जो है अपने भीतर बिना कहे वो तो अपनी बात, अपनी तकलीफ, अपनी भलभलाई आंखों से ही कह सकते हैं, लेकिन उन भलभलाई आंखों में उनकी तकलीफ को पकड़ लेना एक सृजनकार का काम होता है। लेकिन बहुत अच्छा लिख सकती हो और खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। जी मैम, थैंक यू मैम। अगला प्रश्न हम लेंगे हिरणमयी मिश्रा जी। हिरणमयी मिश्रा को हम अनम्यूट कर सकते हैं। हिरणमयी मिश्रा जी, स्वागत। नमस्ते चित्रा जी। नमस्ते हिरणमयी। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आप भुवनेश्वर के प्रोग्राम में संबलपुरी साड़ी पहनी है इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, हालांकि 30 साल से मैं भी लिख रही हूँ कुछ कुछ, लेकिन आपने आपको तो लेखिका नहीं कह सकती, पाठिका हूँ अभी तक। सोचती हूँ कि पाठिका नहीं, नहीं लिखती रहो, मेहनत करती रहो, अपने घर घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए, अपने दायित्व को संभालते हुए, अपने समाज के दायित्व को भी, उन दायित्वों को भी संभालना है। मैं अध्यापना भी करती हूँ चित्रा जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन में जैसे कि जात पात को लेकर या औरतों के लेकर, आप अभी अभी जो शुरू में जो बताया कि जो सब रेस्ट्रिक्शन था, अभी उसमें क्या बहुत बदलाव आया है, आपने क्या देखा है इतने सालों में? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। गाँव की औरत, बहुत निम्न वर्ग की औरत भी, जब मैं गांव जाती थी तो मैं कहती थी कि चाची जी आपके लिए मैं मुंबई से क्या लाऊं, ये कॉलेज डेज की बात है। तो पता है वो मुझसे क्या कहती थी, बिटिया मेरे लिए बैटरी वाला रेडियो ला देना। तो मैं रोटी सेकते हुए चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी का आला है उस पर रख करके सुनूंगी। मैंने सुना है औरतों के कार्यक्रम आते हैं और औरतों को बताया जाता है कि उनके साथ होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे उनको कैसे लड़ना चाहिए। उसके साथ साथ देखो गांव में एक टीवी भी आ गया है, फलाने सिंह की चौपाल में रखा है। मर्द तो उठ के समाचार सुनने चले जाते हैं मगर हम औरतें कैसे जाएं? तो ये 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 एक बदलाव है। वो रेडियो सुनना चाहती है, वो जानना चाहती है, अपनी स्थिति में जीते हुए अपनी बेटी के लिए वो सपना देखती है। और आप देखिए, जब मैं भुवनेश्वर आई थी, मैंने इति सामंता ने आमंत्रित किया था, अच्युत सामंता ने, कलिंगा यूनिवर्सिटी में मैंने वो देखा, जो दलित बच्चे हैं वो किस तरह पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। कई दफे मेरी मित्रों से बहस होती रही कि अरे इनका तो जल जंगल जमीन सत्ता ने छीन लिया। मैंने कहा आप क्यों चाहते हैं कि इनके बच्चे जल जंगल जमीन की ही वो इमली बीनते रहें, गरम मसाले बीनते रहें, चिरौंजी बीनते रहें, लकड़ियां काटते रहें और लकड़ियां बेचते रहें? आप नहीं चाहती कि आपके बराबरी पर आकर खड़े होकर के ये रेलवे के ड्राइवर बने, ये टैक्सी के ड्राइवर बने, ये और पढ़ करके ब्यूरोक्रेट्स बने? आप नहीं चाहते, आप उनके बदलाव को कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपसे सहमत हूँ, उनके जल जंगल जमीन दे देने से उनकी स्थितियां। और अब तो मैं जब बिलासपुर वगैरह छत्तीसगढ़ जा गई, बातचीत हुई तो कहने लगे आदिवासी कि अब तो लकड़ियां भी नहीं खरीदते, अब तो गैस सरकार दे रही है, हमें भी दे रही है। तो ये है, बदलाव आ रहा है और उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, माँ हिम्मत करती है अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए, डरते हुए भी
समाचार सुनते हुए भी कि वहां रात को कुछ लड़कों ने घेर लिया, निर्भया कांड को सुनकर उसके दिल में भी दहशत भर गई कि कहीं मेरी बेटी जो गुड़गांव में चार लड़कियां मिलकर रह रही हैं, हैदराबाद में चार लड़कियां मिलकर रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही, तो वो कौन, वो माँ की ही हिम्मत है जिसने बाप को प्रेरित किया कि भेज दो अकेले, और बेटी को ताकत देती रहती, तो बदल रहा है, बहुत नहीं बदला है, बहुत बदलाव आने हैं, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी बच्चियां निश्चित ही वो एक नया भारत जो बनाना है वो हमारी बेटियां ही बनाएंगी, आप देखिएगा। अगर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा की माँ वंदना बहन वसीयत करती हैं और बदलती है पूरे धर्म के उस अनुशासन को कि उनका किंडर बच्चा उनके मुंह में पानी नहीं डाल सकता, तो वो वसीयत करती है, तो बदलाव स्त्री ला रही है, बदलाव पुरुष भी ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए सपने देख रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा देश है, आदिवासी भी अब लिखने लगे हैं, बोडो भाषा में भी लिखने लगे हैं पढ़ लिख करके, और आप देखिए अब वो साइकिल में चलने लगे, कल वो गाड़ी में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, परिदृश्य धीरे धीरे बदल रहा है, और निश्चित रूप से जिस तेजी से बदलना चाहिए वो तेजी से बदल रहा है, आवा का आवा खराब हो जाने की वजह से नहीं बदला। जी बिल्कुल जी, आपकी कहानी बयान मैंने पढ़ी और किस तरह से एक दिल की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है, उसका एक उसको एक महसूस करना, जिसको कि हिंदी साहित्य में साधारणीकरण कहते हैं, किस तरह से वो बड़े अच्छे से कह देती है कि बेटी तो आपके घर में, मेरी बेटी आपके घर में है, क्योंकि जात बिरादरी संप्रदाय धर्म समुदाय सबसे ऊपर लगते हैं, मनुष्य तो मनुष्य है बिल्कुल, और वो आवाज जी रुखसाना की, वो आवाज देश की हर औरत की आवाज, क्योंकि मेरी बेटी ही नहीं आपके घर में भी बेटी है, बेटी है, निर्भया कांड की माँ ने जो लड़ाई लड़ी जी, तो वो अपनी उस बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, लड़ने पर जो उनकी जीत हुई है वो हम सब स्त्रियों की जीत है, तो ये तो है, फर्क पड़ता है, अंतर के शब्दों आपके भावनाओं की गूंज आजीवन बनी रहेगी, उसमें जो खनक है वो हमें स्पंदित करते रहेगी, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अवसर भी हमें दे, ताकि हम छोटे तरह से ही सही लेकिन एक बदलाव अपने परिवेश में चारों तरफ लाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीति गर्ग को। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, तुम तो नई पीढ़ी को समर्थ बना रही हो, पढ़ा रही हो, तुम्हारा सोशल वर्क तो वही है कि नई पीढ़ी को सही चीजें बताओ, सही मूल्य बताओ, है ना, लेखक अपना काम कर रहा है, और ये जो प्रभा खेतान ट्रस्ट है, प्रभा खेतान हमारी बड़ी माननीय लेखिका रही है, माननीय लेखिका ने पीली आंधी पर, मैं जब दूरदर्शन की इंडियन क्लासेस थी, कोर कमेटी की चेयरपर्सन थी, मैंने सीरियल बनवाया था, तनुजा चंद्रा ने उसको डायरेक्ट किया जी, तो वो लड़की मारवाड़ी समाज से कहां पहुंची जी, ट्रस्ट के माध्यम से कितने कितने काम हो रहे हैं, उनकी बीते कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद तुमको, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी, बहुत धन्यवाद बेटा। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो कोई सुविधा के बावजूद भी आप सीख सकते हैं, निखर सकते हैं, ऐसा ही प्रतीत हुआ चित्रा मुद्गल जी से बात करके। उन्होंने कहा, माँ की कोख कुम्हार का आवा। सच में आज आपसे बात करते हुए, आपको जानते हुए, आपके विचारों को सुनते हुए, माँ का लाड, माँ की ममता,
और जैसे एक माँ समझाती है अपने श्रोतागणों को, बिल्कुल वैसा ही मुझे प्रतीत हुआ कि कैसे एक वो आज जो इस जगह है, वो जब बच्ची थी उसने क्या महसूस किया, जब वो युवा थी वो कैसे लड़ी, जब वो स्त्री बनी और जब वो माँ बनी, पूरी आपकी जो वो जर्नी रही है उसमें क्या क्या आपने महसूस किया, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, और उनमें से जो जो आपने सीखा आपने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया, और हर बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जीवन में जोड़ती है, छेड़ती है और सोचने पर मजबूर करती है कि हाँ मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और मेरा ये हक है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ बदलाव लाऊं, कम से कम समाज में नहीं तो अपनी सोच में, सोच में पहले। हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही बेटा, बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी, सच में मेरे रोंटे उठ गए हैं आपकी ये बात सुनकर। बहुत धन्यवाद, एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आपकी हर बात को मतलब मैं अपने जहन में समा लेना चाहती हूँ। इतना इतना अच्छा लगा है आपसे बात करके, और एहसास वुमेन भुवनेश्वर की तरफ से मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन, चित्रा मुद्गल जी, मेफेयर, श्री सीमेंट्स, भुवनेश्वर टाइम्स, प्रमया, सन्मार्ग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागण जो आज इतने सारे श्रोतागण हम एक कम से कम 100 लोग सुन रहे हैं, चित्रा जी आपको 104 हाँ अरे वाह तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का, हमसे अपने विचारों को प्रकट करने का, और आपने हर एक को, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर एक को आपने छुआ है। हम सब मंत्रमुग्ध हैं आपकी बातों से, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमसे जुड़ने का, हमारा हमें समय देने का। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ये जो कोशिश है ये जरूर एक बदलाव लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, और तुम इतनी प्यारी बच्ची हो, मुझे लगता है कि तुम भी बहुत कुछ कर दिखाओगी, यही तो हम लोगों का उद्देश्य है बेटा। बहुत 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 धन्यवाद आपका आशीर्वाद। थैंक यू।